ये जो जक़ातुल्फित्र जो ईद के दिन हमें देना है इसका वक्त भी मैं आगे आपको बताऊंगा और क्या चीज देनी चाहिए कितनी देनी चाहिए वो भी बताऊंगा पहले ये समझ लीजिए कि ये जकतुल्फित्र ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया है लिहाजा ये फर्ज है हर मुसलमान पर गुलाम आजाद बच्चे बूढ़े मर्द औरत सब पर फर्ज है लिहाजा हर एक की तरफ से ये अदा किया जाएगा जितने घर में फर्द है हर एक की तरफ से अदा किया जाएगा और के के खाने के लिए। इसके चंद फवाइद मैं आपके सामने रख देता हूँ जकाय की, की नजहार है कि ने हमें पूरा सियाम और को मुकम्मल करने की तोफीक बख्शी हाँ इस महीने में नेक आमाल की सहूलियत अल्लाह रब अता फरमाई उसका शुक्रिया है दूसरा जकत फित्र की अदायगी से रोजे की हालत में होने वाली कोताहिया खामियां कमिया और जो नकाइश हुए हैं वो सारी चीजों से रोजा पाक हो जाता है यानी वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला माफ़ कर देता है ख़त्म कर देता है तीसरा फायदा जकत फ़ितर की अदायगी में वो ये है कि ये फुकरा और मसाकिन के साथ बेहतरीन सलूक है नेक रवैये का इजहार है चौथा जक़ात फ़ितर की अदायगी से सखावत व फयाजी और हमदर्दी गम बलंद तरीन अखलाक पैदा होते हैं और पांचवें और आखिरी ये है कि जक़त फित्र की अदायगी से ईद के पुरमसर्रत मौके पर गरीबों मोहताजों और जरूरतमंदों को भीख मांगने की जिल्लत से महफूज रखा जाता है हाँ भीख मांगने से वो बच सकते हैं और अमीरों और दौलतमंदों के साथ ईद की खुशियों में वो शरीक हो सकते हैं और उनकी ईद भी हकी ईद बन सकती है लिहाजा ये चंद हिकमतें हैं जक़ात फित्र के अदा करने में लिहाजा आप याद रखिए अगर पिछले रमजानों में आपने अदा नहीं किया है तो इस रमजान जरूर भी जरूर करें नाजरीन मुबारक का महीना अपने आखिरी पहर पर है लिहाजा आप जो दिन बचे हुए हैं इसको गनीमत जाने खूब अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तुझे और आपको रमजानबारक में अपने आप को नेक बनाने की तोहफ़ अदा फरमाए आमीन नाजरीन अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें